खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जिले से एमआर का रुख करेंगे। बेरोजगार संघ का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए। वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी नरेश शर्मा, उनसे बात करते हैं। नरेश, सीएमआर पहुंचा ये प्रतिनिधि मंडल, क्या मुलाकात हो गई है? बिल्कुल, देखिए जब मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाएं की है, कई उसके बाद तमाम जो वर्गों के लोग हैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए हैं। और खासकर मुख्यमंत्री ने अपने बजट में बेरोजगारों के लिए कई घोषणा की हैं, कई भर्तियां हैं उनकी घोषणा की है, कई भर्तियां पूरी हुई है, कई भर्तियाँ प्रक्रिया दी। ऐसे में बेरोजगार संघ है उसकी तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल है जिसमें सैकड़ों जो बेरोजगार है वो यहाँ पे आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साथी कैमरामैन सोहन मीणा आपको तस्वीर दिखाएंगे। एक लंबी कतार मुख्यमंत्री आवास के बाहर है, बड़ी संख्या में युवा है वो आए हैं, एक एक करके मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। और कुछ देर बाद जब सभी युवा यहाँ से जाएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात होगी, उनको धन्यवाद दिया जाएगा जो भी भर्ती के लिए जो सारा काम किया गया। और बेरोजगार संघ के जो संयोजक हैं उपेन्द्र यादव, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या बेरोजगारों का जो संघर्ष है वो रंग ला रहा है? मुख्यमंत्री ने कई जो घोषणा है वो बजट में की है और किस तरह आज जो है वो धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पे आए हैं? देखो, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो बेरोजगारों की भर्तियों के लिए खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चाहे एलडीसी भर्ती 2018 की जो ज्वाइनिंग का मामला जो लटका हुआ था उसको फास्ट प्रक्रिया से तेज किया है। इसके अलावा चाहे रीट की 31,000 पदों पर घोषणा हो और 53,000 भर्तियों की घोषणा हुई है 75,000 के पिछले बजट में, तो मुझे नहीं लगता अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संवेदनशील है। तो आज हम सैकड़ों की संख्या में आभार जता रहे हैं और साथ में ही कि अब होली आने वाली, उन्होंने पहले दीपावली पे भी तोहफा दिया था जो 18 के 11 हजार 322 अभ्यर्थी जिनके ज्वाइनिंग आदेश होने, तो मुख्यमंत्री जी हमें तोहफा भी देंगे और उनका आभार जताना हमारा फर्ज था क्योंकि वो लगातार सौगात दे रहे बेरोजगारों को। कभी देखा आपने पीसीसी पे धरना प्रदर्शन करते नजर आते हो आप, और आज अलग रंग देखने को नजर मिल रहा है कि आज मुख्यमंत्री का आभार जताने आए हैं? देखो, पहले भी मैं लगातार कहता रहा हूँ कि कुछ अधिकारी और कुछ मंत्रियों की लापरवाही थी, उनके खिलाफ हमने आवाज उठाई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार हमसे वार्ता की, मिले, उन्होंने नतीजा भी निकाला और जब हमें परिणाम मिल रहा है, जब बेरोजगारों को खुशियां मिल रही है, तो हमारा फर्ज बनता है माननीय मुख्यमंत्री का आभार जताए कि मुख्यमंत्री जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो इससे बड़ा क्या होगा, क्योंकि हम लगातार मांग करते हैं पिछले 5 साल में भी भर्ती अटक रही थी कि मॉनिटरिंग की जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अशोक गहलोत जी ने सोचा है, मॉनिटरिंग किया और भर्तियों की रफ्तार पकड़ी है, इसलिए आज धन्यवाद देने आए। भर्तियों की रफ्तार पकड़ी और उम्मीद है कि जो भर्ती अभी पेंडिंग चल रही है, जो प्रक्रियाधीन है, वो भी जल्दी पूरी कर ली जाएगी। और जो बजट में 50,000 से अधिक जो भर्ती घोषणा की हैं उनके बारे में भी परीक्षा की तिथियां वो जल्द हो जाएगी, खासकर रीट की परीक्षा जो अगस्त महीने में होने की संभावना, और इस कारण से जो तोहफा अब तक जो मिला है इन बेरोजगार युवकों को, प्रदेश के युवाओं को, उसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताने आए हैं। क्या नाम, आप कहाँ से आए हैं? लोकेश उपाध्याय। मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, क्या कहेंगे आज आप? जी, हमको होली से पहले मतलब पोस्टिंग का तोहफा दिया जाए, हम जल्दी से जल्दी इसी प्रक्रिया को पूरा करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री से आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं यहाँ पे कि हमको जल्दी से जल्दी ये तोहफा दिया जाए। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री का आभार जताने भी आए हैं और साथ में अपनी कई मांगे भी हैं वो भी मुख्यमंत्री के सामने रखे गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है, चाहे युवाओं के लिए कहें चाहे अन्य वर्गों के लिए कहें, अभी कुछ देर बाद हम देखेंगे कि नदबई के जो विधायक हैं जोगिंद्र रवाना, उनके नेतृत्व में भी सैकड़ों लोग हैं वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ आ रहे हैं। जयपुर में एक जगह से वो एक साथ रवाना हो गए और वो भी जो नदबई को जो तोहफा मिला है बजट घोषणा में उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए हैं। सुबह हमने देखा था कि वागड़ क्षेत्र के विधायक है, मंत्री है और जनप्रतिनिधि है, वो मुख्यमंत्री से मिले थे। बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से और अभी तक की तस्वीरें आपने दिखाई है, सीएमआर में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, कुछ बजट पे धन्यवाद देने जा रहे हैं, तो कुछ अपनी उम्मीदों को लेकर जरूर जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन उम्मीदों को पूरा करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।